हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल 14 स्पेल में। मैं हूँ राजीव। तो आपने पिछले लेसन में जाना था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट गिटार और ये स्ट्रिंग के बारे में। अभी इस लेसन में हम जानेंगे नोट, स्केल, कॉर्ड, रूट नोट क्या है और ये हर एक फ्रेट का नोट क्या क्या बजता है, इसी के बारे में जानेंगे। तो लेस शुरू करते हैं अभी का लेसन। सबसे पहले नोट। नोट क्या होता है कि इंडिविजुअल एक टोन जो निकलता है वो उसे हम नोट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैसे कि ये 12 फ्रेट में नीचे वाला एक स्ट्रिंग हमने बजाया, ये है ई नोट। एक इंडिविजुअल ये एक नोट हो गया, ये एक इंडिविजुअल नोट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये है नोट, नोट बोलते हैं इसको। और उसके बाद आता है स्केल। स्केल क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन नोट, मतलब कोई भी सात नोट बजा सकते हैं तो उसे हम नोट स्केल बोल सकते हैं, सॉरी स्केल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये जी एक कॉर्ड हो गया, ये है जी जी मेजर कॉर्ड का स्केल। ठीक है दोस्तों, स्केल के बारे में आपको पता लग गया। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि एक सेट पैटर्न होता है, जैसे कि सेट पैटर्न नोट का एक सेट पैटर्न जो एक ही साथ बजता है उसे हम कॉर्ड बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये ए मेजर हो गया, सेकंड फ्रेट में ये ए मेजर हो गया, ओपन स्ट्रिंग का ये ए मेजर, इसे हम कॉर्ड बोल सकते हैं क्योंकि कंबाइन एक साथ बज रहा है ये। ठीक है दोस्तों, ये है कॉर्ड। तो नोट, स्केल और कॉर्ड के बारे में आपको पता लग गया। उसके बाद आता है रूट नोट। ठीक है, जैसे कि ये जी मेजर कॉर्ड है तो इसका रूट नोट क्या होता है, ये जो ऊपर वाला नोट होता है, सबसे पहले आने वाला नोट होता है जी नोट, उसे हम रूट नोट कहते हैं। यहीं से हम स्केल भी बना सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका रूट नोट। और अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसके फ्रेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक है जो ये आपको मार्क दिया गया है, ये फ्रेट को भी पहचान सकते हैं आप। दो फ्रेट के बाद एक मार्क है यहाँ पर, और ये एक गैप होने के बाद दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ तक 12, यहाँ तक पहुँचने पर 12 होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक 12 फ्रेट। जैसे कि ये एक फ्रेट हो गया, दूसरा फ्रेट, तीसरा, चौथा, ऐसे करके यहाँ 12 तक पहुँचता है। अभी 12 फ्रेट तक हर एक फ्रेट में, जैसे कि फर्स्ट फ्रेट हो गया, ये सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, हर एक फ्रेट में अपना अपना नोट नोट का ये टोन निकलता है। जैसे कि ये अभी यहाँ पर ये दूसरा फ्रेट में, फिर सेकंड फ्रेट में, फिर दूसरा, ये अपना ही टोन निकालेगा। ये तो ये अपना ये फर्स्ट फर्स्ट टू ट्वेल्व कौन सा नोट बजता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, ये हो गया ओपन स्ट्रिंग, ये हो गया ओपन स्ट्रिंग,
अब ये फर्स्ट फ्लेट में आएगा तो क्या होगा, ये एफ होगा, एफ मेजर। तो उसके बाद फिर आएगा एफ शार्प, उसके बाद आएगा जी, ये आएगा जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, डी, ये हो गया डी शार्प। ऐसे ही एक सीक्वेंस बना हुआ है, एफ, एफ शार्प, ए, ई, ई का शार्प नहीं होता और बी का शार्प नहीं होता, ई और बी का शार्प नहीं होता, बाकी का सभी होता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इधर एफ, एफ शार्प, जी, यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको इसको याद करना पड़ेगा, ए, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, ए, सी, डी, डी शार्प, उसके बाद फिर ई। ठीक है दोस्तों, ये है फ्रेट का। अब अभी यहाँ पर ये खाली ये स्ट्रिंग का नहीं, बाकी का भी सेम ही है, जैसे कि ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, जैसे कि हर सभी स्ट्रिंग का अपना अपना ये होता है, नोट होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका, यहाँ तक था आपका ये नोट, स्केल, कॉर्ड, रूट नोट और ये फ्रेट स्केल के, फ्रेट स्केल के बारे में जानकारी। तो यहाँ 12 फ्रेट तक आप मैंने जानकारी दे दिया। उसके बाद अब अगले लेसन में आपको मैं बताऊँगा कॉर्ड्स के बारे में, कॉर्ड्स बजता कैसा है, कौन सा फ्रेट में कौन सा फिंगर इसको यूज करना है। तो मैं आपको सिंपल बेसिक वाला कॉर्ड में बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।